भारत का मिशन चंद्रयान 3 बहुत जल्द चांद की सतह पर लैंड करने वाला है। इस मिशन के सफल होने के बाद देश का रुतबा विश्व भर में तो कायम होगा ही, साथ ही भारत चांद के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाएगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि भारत विश्व पटल पर जल्द ही एक नया कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। लेकिन चांद पर लगातार नजदीक पहुंचने के साथ ही इसरो में वैज्ञानिकों की धड़कनें भी बढ़ रही है, और जब चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचने से महज 10 मिनट की दूरी पर रह जाएगा तो सबकी नजरें चंद्रयान 3 पर टिक जाएंगी, क्योंकि लैंडिंग से पहले के ये आखिरी 10 मिनट सबसे खतरनाक 10 मिनट होंगे। ये आखिरी 10 मिनट इसलिए खतरनाक साबित हो सकते हैं क्योंकि चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग इन्हीं 10 मिनटों के दौरान हुई थी। दुनिया भर में चांद पर उतरने के लिए जितने भी मिशन हुए हैं उनमें से ज्यादातर लैंडर्स की क्रैश लैंडिंग इन्हीं 10 मिनटों के दौरान हुई है। दरअसल इन 10 मिनटों के दौरान लैंडर की स्पीड को कम करना, थ्रस्ट को बैलेंस करना और चांद पर मौजूद ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के साथ लैंडर की स्पीड को मैच करना भी एक बड़ी चुनौती होती है। इन सभी चुनौतियों को पूरा करने के बाद ही लैंडर की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाती है। अगर कई बार लैंडर की स्पीड और थ्रस्ट बैलेंस नहीं हो पाता तो सॉफ्ट लैंडिंग क्रैश लैंडिंग में भी बदल जाती है, जो चंद्रयान 2 के साथ हुआ, जिसके बाद चंद्रयान 2 के लैंडर की क्रैश लैंडिंग हो गई और मिशन फेल हो गया। इस बार भी कोई ऐसी गड़बड़ी ना हो इसके लिए चंद्रयान 3 के स्पीड कंट्रोल के साथ ही लोकेशन टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाया गया है। इस मिशन के सफल होने के बाद भारत को चांद से कई अहम जानकारियां मिलेंगी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चांद पर पानी और बर्फ की खोज करना है। VK News, राष्ट्र के नाम।